हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दिस इज अमनदीप कौर और आज हमारे सीरीज में हमारा 48th लेक्चर है। हमने टॉपिक फोर्थ शुरू किया हुआ है, जहां से कल छोड़ा था वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम पे कुछ फ्री ग्रुप्स चलाए जा रहे हैं फॉर फ्री स्टडी मटेरियल, आप इन्हें ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ पेड ग्रुप्स भी चलाए जा रहे हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, आप चाहो तो इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे PSIR ऑप्शनल का भी पेड ग्रुप चल रहा है, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे और आपको आपके टेस्ट में खुद चेक करूंगी, स्पेशल वॉइस मैसेजेस मिलेंगे, वहाँ पे आपको PDFs मिलेंगे जहाँ से मैं पढ़ाती हूँ, और जितना भी आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, जो भी गाइडेंस जो भी आपको चाहिए सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। और ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा ये कोर्स जो है अप्रैल एंड तक हमारे सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो भी हमने वीडियो सीरीज शुरू करे हैं हमारा अप्रैल एंड तक ये खत्म हो जाएगा पूरा। हमने जहाँ से कल छोड़ा था, हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ रहे थे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में जो हमने देखा था, जो हमने अब पढ़ना था कि हाउ टू डिटरमिन ऑफिस एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है वहां पे तो कहीं पे मेंशन है नहीं कि ये वाला ऑफिस जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ये वाला ऑफिस जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। अब कहाँ से पता चले कि अगर कोई ऑफिस है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है? सबसे पहले कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, ना ही कोई पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन ने डिफाइन किया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। कुछ भी नहीं है कहीं पे भी लिखा हुआ कि ये वाले पैरामीटर्स हैं। अगर कोई भी ऑफिस नया बनता है तो हम कैसे देखें कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है? और दूसरा है, एज पर आर्टिकल 102 पार्लियामेंट मे बाय लॉ एग्जेम्प्ट सर्टेन ऑफिसेस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बीइंग सब्जेक्टेड टू डिस्क्वालिफिकेशन। पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 102 के अंडर पावर है कि वो किसी भी ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की लिस्ट से जो है एग्जेम्प्ट कर सकती है। उसके बाद है, पार्लियामेंट ने कुछ लॉज पास किए हुए हैं। पार्लियामेंट हैज ब्रॉट कुछ एक लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1950, 51 में अमेंडमेंट की गई, फिर 53 में, उसके बाद सबको रिपील करके 1959 में एक लॉ लाया गया जिसमें कुछ प्रोविजंस है मेंशनड है, जहां से थोड़ा बहुत पता चलता है कि कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है कौन सा नहीं। जैसे इफ अ पर्सन इज मेंबर ऑफ एनी स्टेच्यूटरी और नॉन स्टेच्यूटरी बॉडी, अगर कोई भी मेंबर एमपी एमएलए है वो किसी भी स्टेच्यूटरी या फिर नॉन स्टेच्यूटरी बॉडी का मेंबर है और वहां से उसे कोई रेमुनरेशन नहीं मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ट्रीट किया जाएगा। वैसे तो कहीं पे भी लिखा नहीं गया है कि कौन सा ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा कौन सा नहीं होगा, लेकिन एक एक्ट है जिसके अंडर हमें थोड़ा बहुत पता चल सकता है, जहां पे लिखा गया है कि अगर कोई भी मेंबर हाउस का मेंबर जो है स्टेच्यूटरी या नॉन स्टेच्यूटरी बॉडी का मेंबर बनता है, जहां से उसे कोई रेमुनरेशन तो नहीं मिलता लेकिन कंपनसेशन अलाउंसेस मिलते हैं, तो उस ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा और जो मेंबर उसको होल्ड करेगा उसको हाउस से डिस्क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। उसके बाद है, एनी वर्क विच वुड हैव बीन वर्क ऑफ गवर्नमेंट, जो कोई भी काम जो कि गवर्नमेंट का काम होना चाहिए था, जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था, बट उसको जो है उनके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे परफॉर्म किया जा रहा है किसी के थ्रू, तब भी उसको जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर नहीं लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज एक्वायर्ड, किसी भी पर्सन ने मेंबर ने किसी गैस एजेंसी को एक्वायर किया है लेकिन वो सब कुछ जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहा है, तब उस ऑफिस को जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। उसके बाद है, एक्ट मेंशंस नंबर ऑफ ऑफिसेज विच आर एग्जेम्प्टेड, इसी एक्ट में मेंशन होते हैं जितने भी ऑफिसेज को गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम एग्जेम्प्ट करती है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद है पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये तो जो है सारा कुछ गवर्नमेंट ने कर दिया, गवर्नमेंट ने जो भी कर दिया हमने पढ़ लिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी डेफिनेटली कोई ना कोई अपना व्यूज दिए होंगे। इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट की क्या पोजीशन है? सुप्रीम कोर्ट हैज ट्राई टू डिफाइन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने काफी कोशिश करी है कि डिफाइन किया जाए कि कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा और कौन सा नहीं होगा। शत्रु चेरला चंद्रशेखर राजू वर्सेज वे चेरला प्रदीप कुमार देव 1952 का एक केस है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक टेस्ट दिया है फॉर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
कि कौन सा जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है, अगर कोई भी ऑफिस में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट है, अगर किसी भी ऑफिस में अपॉइंटिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट है तो उसको जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। उसके बाद है वेदर गवर्नमेंट हैज पावर टू टर्मिनेट, और उसको टर्मिनेट करने की पावर गवर्नमेंट के पास है। वेदर गवर्नमेंट डिटरमिन्स रेमुनरेशन, उसकी रेमुनरेशन जो भी है गवर्नमेंट डिटरमिन करती है, और जितना भी रेमुनरेशन का पैसा जाता है वो सोर्स जो है पब्लिक पर्स से आता है। वेदर गवर्नमेंट कंट्रोल्स द मैनर इन विच ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस आर टू बी डिस्चार्ज्ड। उसके बाद है वेदर द ऑफिस इनेबल्स द गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस द पर्सन बाय वे ऑफ पेट्रोनेज। सो अगर ये सब कुछ अगर किसी ऑफिस में होता है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है माना जाएगा अकॉर्डिंग टू जुडिशरी। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था कि अगर ये सब होता है, गवर्नमेंट जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, गवर्नमेंट उसको टर्मिनेट कर सकती है, गवर्नमेंट डिटरमिन करेगी रेमुनरेशन, जितना भी रेमुनरेशन है वो पब्लिक पर्स से आएगा, और गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है मेंबर द मैनर इन विच ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस आर टू बी डिस्चार्ज, और वेदर द ऑफिस इनेबल्स अ गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस द पर्सन बाय वे ऑफ पैट्रोनेज, तो वो ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। उसके बाद है अशोक कुमार भट्टाचार्य वर्सेस अजोया विश्वास 1985 का एक केस है, जिसमें क्या कहा है, वेदर अ पर्सन होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज टू बी इंटरप्रेटेड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज इन ईच केस एंड रेलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, कोर्ट विल टेक क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई भी ऑफिस जो है, कोई भी पर्सन अगर होल्ड करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो उसको इंटरप्रेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज इन ईच केस। ऐसा कोई रूल नहीं बनाया गया हर केस के लिए कि सब कुछ सेम होगा, हर केस को इंडिविजुअल केसेस इंडिविजुअल बेसिस पे जो है डिसाइड किया जाएगा कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को है या नहीं है। और इसमें कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट विल टेक क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस एंड द प्रैक्टिकल व्यू रादर देन द लिटरल व्यू और पेडेंटिक व्यू। कोई लिटरल व्यू की बजाय गवर्नमेंट जो है प्रैक्टिकल व्यू, जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रैक्टिकल व्यू लेगा। सो कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज पोजिशन विद सर्टेन ड्यूटीज दैट आर मोर और लेस पब्लिक कैरेक्टर। कोई भी लेजिस्लेटिव जो है कैन नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, किसी भी लेजिस्लेटिव को डिस्क्वालिफाई नहीं किया जाएगा जब तक कोई ऑफिस नहीं है या फिर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। इट इज ऑफिस एंड यूनियन ऑफ स्टेट, ऑफिस इज नॉट एग्जेम्प्टेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, पर्सन शुड हैव हेल्ड द ऑफिस। तो अगर इनमें से कुछ भी होगा तो उसको डिस्क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद एक केस आता है जया बच्चन केस 2006 का ये केस है। इसमें क्या कहा गया था कि इफ ऑफिस इज केपेबल ऑफ यील्डिंग अ प्रॉफिट वेदर अ पर्सन हैज एक्चुअली ऑब्टेन द मॉनेटरी गेन और नॉट डज नॉट मैटर। सो अगर कोई ऑफिस है वहां से प्रॉफिट आने का सोर्स है, अगर कोई भी ऑफिस है वहां से प्रॉफिट आने का सोर्स है, फिर चाहे उस इंसान जो वो जो मेंबर होगा उसने जो उसको होल्ड करेगा उसने मॉनेटरी गेन्स लिए हो या ना लिए हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर उस ऑफिस से प्रॉफिट आ सकता है, सोर्स है प्रॉफिट आने का, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। उसके बाद है कुछ और भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे कि कांता खटूरिया वर्सेज मानिक चंद शर्मा केस। प्रॉफिट हैज टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स होल्डर, हैंस स्पेशल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स आर एग्जेम्प्टेड। इस केस में क्या कहा गया कि प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट आता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए इसके होल्डर से। सो जो कुछ है स्पेशल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स है उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया इसकी लिस्ट से कि अगर कोई भी स्पेशल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स है उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंट है फिर भी वो ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, तो उनको डिस्क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। उसके बाद अनदर केस है शिबू सोरेन केस, द की क्वेश्चन केस, वेदर द कंपनसेशन ब्रिंग्स द होल्डर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट। कि अगर जो कॉम्पेंसेशन उसको मिल रही है, एक इंसान अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई भी ऑफिस होल्ड करता है उसको वहां से कॉम्पेंसेशन मिल रही है। अब गवर्नमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई मेंबर ऑफिस कोई भी ऑफिस को होल्ड करता है वहां से उसे रेमुनरेशन नहीं मिल रही लेकिन कॉम्पेंसेशन मिल रही है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर जो जो भी कॉम्पनसेशन उस मेंबर को मिल रही है, अगर उस कॉम्पनसेशन की वजह से वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के अंडर आता है तब भी उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा और उसे डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। उसके बाद आता है दिव्या प्रकाश केस। दिव्या प्रकाश केस में क्या है कि इवन वेन द पोस्ट जो अपॉइंटमेंट जो भी है, चाहे वो ऑनरेरी पोस्ट है,
ऑनरेरी पोस्ट है विदाउट रेमुनरेशन, ऐसी एक पोस्ट जो कि ऑनरेरी है वहां से कोई रेमुनरेशन नहीं मिल रहा उसे, लेकिन उसको भी उससे भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है मेंबर की। उसके बाद आती है एक ज्वाइंट कमेटी बिठाई गई, ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे क्या है, सिंस गवर्नमेंट्स कंटिन्यूअसली क्रिएट सच पोस्ट, गवर्नमेंट जो है और कंटिन्यूअसली ऐसी पोस्ट क्रिएट करती रहती है, सो अ नीड हैज बीन लेफ्ट टू क्रिएट अ ज्वाइंट कमेटी। सो एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई 10 मेंबर्स, जिसमें लोकसभा से होते हैं 5 मेंबर, जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं 15 मेंबर की ये कमेटी होती है। इसका पर्पस क्या है, कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना है जो भी नए नए ऑफिसेस बनते हैं। गवर्नमेंट जो है उनको बार बार क्या करती है, काफी सारे ऑफिसेस को एग्जेम्प्ट कर देती है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सो ऐसे ऑफिसेस जब भी नए बनते हैं तो इस कमेटी का काम होता है कि उन्हें रिव्यू करे। हैंस कमिटी गोज फॉर कंटिन्यूस स्क्रूटनी करती है ऑफिसेस के जितने भी नए बनते हैं कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं, यहाँ से रेमुनरेशन मिल रही है कि नहीं जो इसको मेंबर होल्ड कर रहा है, और हाउस में वो कमिटी टाइम टू टाइम जो है रिपोर्ट करती रहती है। उसके बाद आता है कमिटी अप्लाइज टू क्राइटेरिया, कमिटी जो एक क्राइटेरिया अप्लाई करती है इफ अ मेंबर गेट्स रेमुनरेशन मोर देन कंपनसेटरी अलाउंसेस। अब देखिए गवर्नमेंट ने अपने अपने जो है एक्ट के अंडर यही कहा है कि अगर कोई भी ऑफिस ऑफ ऑफिस में मेंबर को रखा, मेंबर को कोई भी ऑफिस दिया गया है वहां से उसे सिर्फ कंपनसेटरी अलाउंसेस मिल रहे हैं, रेमुनरेशन नहीं मिल रहा है, तब वो क्या होएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होएगा। तो ये कमिटी जो है यही क्राइटेरिया अप्लाई करती है कि कई बार क्या होता है, उसको रेमुनरेशन मिल रही है, कंपनसेटरी अलाउंसेस जितना मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा अगर उसे मिल रहा है तो एक टाइप की रेमुनरेशन ही हो गई, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद है इफ ऑफिस इज केपेबल ऑफ वील्डिंग इन्फ्लुएंस, वो किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है उस ऑफिस में जो मेंबर उसको होल्ड कर रहा है। उसके बाद है प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। सो हमने जो है अभी किसके बारे में पढ़ा है, हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पूरा पढ़ लिया है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो भी इसके अंडर आता है सारा कुछ, आप इसको रिवाइज करना, बहुत अच्छे से रिवाइज करना, जो भी मैंने कहा ध्यान से सुनना। उसके बाद हम आते हैं प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है MPs एंड MLAs, इनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं। जैसे कि मैंने एक बार पहले भी बताया था, एक होते हैं राइट्स और एक होते हैं प्रिविलेजेस। सो राइट्स एंड प्रिविलेजेस में क्या डिफरेंस है, अगर हम राइट कहेंगे तो ये सबको मिलेंगे, जितनी भी पॉपुलेशन है, जैसे कि इंडिया में राइट्स अगर हम कहते हैं तो वो सबको मिलेंगे। प्रिविलेजेस जो होते हैं स्पेशल राइट्स होते हैं जो सबको नहीं मिलते हैं, प्रिविलेजेस स्पेशल राइट्स होते हैं जो सबको नहीं मिलते हैं, ये किसी किसी को मिलते हैं, दिए जाते हैं। सो हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, जो हमारे MPs हैं और हमारे MLAs हैं, इनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं। अगर कोई भी इंसान MP बनता है या MLA बनता है तो उसको जो है आम जनता से हटके थोड़े अलग प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जो आम लोगों को नहीं मिलते हैं। सो इनके कुछ प्रिविलेजेस हैं। प्रिविलेजेस के ऊपर भी काफी क्वेश्चन उठते हैं। मेन क्वेश्चन जो है इज शुड इट बी क्वालिफाइड, व्हाट इज प्रिविलेज, सबसे पहले कौन कौन से प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, प्रिविलेजेस हैं क्या और क्या इनको कोडिफाई करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाई प्रिविलेजेस को नहीं किया गया है। कोडिफाई करने का मतलब है नहीं बताया गया है कि कौन कौन से प्रिविलेजेस मिले हुए हैं पार्लियामेंटेरियंस को, और इसका फायदा हमारे पार्लियामेंटेरियंस टाइम टू टाइम उठाते हैं। अगर हाउस में कोई उनके अगेंस्ट बोलता है या फिर हाउस में नहीं है, मान लो अगर कोई प्रेस में उनके अगेंस्ट कुछ लिखा जाता है तो वो अपने प्रिविलेजेस का फायदा उठाते हुए उनको पनिश करते हैं, प्रेस को पनिश करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रिविलेजेस बताए नहीं गए हैं कि कौन कौन से प्रिविलेजेस MPs को मिले हुए हैं, पार्लियामेंटेरियंस को, MPs और MLAs को कौन कौन से प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। ये प्रिविलेजेस कोडिफाइड नहीं है, कहीं पे भी बताए नहीं गए हैं, इसीलिए यही सबसे बड़ी बात है और इसी का फायदा उठाते हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस काफी बार, जो हम आगे पढ़ेंगे। स्पेशल राइट्स होते हैं, प्रिविलेजेस जो होते हैं नॉट यूनिवर्सली अवेलेबल एंड ग्रांट्स पर्संस एग्जेम्प्शंस फ्रॉम सर्टेन ड्यूटीज एंड ग्रांट्स इम्यूनिटीज। सो क्या होता है कि प्रिविलेजेस कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं जो सबको यूनिवर्सली अवेलेबल नहीं होते, सबको नहीं मिले होते। ये ऐसे कुछ प्रिविलेजेस होते हैं जो जिसको मिले होते हैं उसको एग्जेम्प्शंस देते हैं, जैसे कुछ ड्यूटीज से उसको कुछ इम्यूनिटीज ग्रांट करते हैं। इंडिया में किस के इंडिया में क्या सिचुएशन है वो पढ़ते हैं।
इंडिया में क्या है कि इन इंडिया बोथ एमपीज एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंजॉय प्रिविलेजेस. इंडिया में एमपीज एंड एमएलएस दोनों को ही जो है यहाँ पे प्रिविलेजेस मिले हुए हैं. आर्टिकल 105 एंड 194 जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है कुछ प्रिविलेजेस जो कि एमपीज एंड एमएलएस को मिले हुए हैं. सबसे पहला जैसे प्रिविलेज है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट इट इज सब्जेक्टेड टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रूल्स एंड ऑर्डर्स मेड इन द हाउस रिगार्डिंग द प्रोसीडिंग्स. इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्योंकि हाउस में इनको बोलना होता है, काफी अपने व्यू पॉइंट्स रखने होते हैं, तो इनको ये राइट मिला हुआ, ये प्रिविलेज मिला हुआ है. लेकिन इस पे कुछ कंडीशंस लगे हुए हैं. सो उसके बाद है नो एमपी shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament. अब जब वो पार्लियामेंट में बैठा है, हाउस में बैठा है, अगर वो वहां पे कुछ भी कहता है या फिर कोई भी वोट देता है, इसकी इसके कारण उसको किसी भी कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता है. कोर्ट में उसने कुछ भी अगर हाउस के अंदर कहा है या वोट दिया है, इस रिस्पेक्ट में उसके उसके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता है. थर्ड पॉइंट है नोबडी विल बी लायबल फॉर पब्लिकेशन ऑफ एनी रिपोर्ट पेपर वोट प्रोसीडिंग पब्लिश अंडर अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट. नोबडी विल बी लायबल कोई भी फॉर पब्लिकेशन ऑफ, यहाँ पे कुछ उन्हें प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के अंडर जो है कोई भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते, पेपर वोट प्रोसीडिंग कुछ भी नहीं. सो उसके बाद है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या लिखा गया है. वहां पे मेंशनड है दैट प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज शैल बी सेम एज फाउंड इन हाउस ऑफ कॉमन्स सो लॉन्ग पार्लियामेंट डज नॉट मेक अ लॉ टू कोडिफाई प्रिविलेजेस. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने प्रिविलेजेस को कोडिफाई नहीं किया था पार्लियामेंटेरियंस के कि उनको कौन कौन से प्रिविलेजेस देने हैं. उन्होंने सिंपली ये लिख दिया था कि एमपीज को जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स को जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं ब्रिटेन में, वही इंडिया के पार्लियामेंटेरियंस को भी मिलेंगे जब तक पार्लियामेंट खुद से लॉज को कोडिफाई, प्रिविलेजेस को कोडिफाई नहीं कर देती है. सो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वहां पे उन्होंने कोडिफाइड नहीं किया, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि इनको वही सारे हमारे पार्लियामेंटेरियंस को वही सारे जो है प्रिविलेजेस मिलेंगे जो हाउस ऑफ कॉमन्स को है. लेकिन इन्होंने साथ में यही भी कहा कि जब तक पार्लियामेंट कोडिफाइड नहीं करती है, कोई लॉ नहीं बनाती है, तब तक ही ऐसा होगा. सो कहने का मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाने का काम जो था हमारे जो फ्यूचर पार्लियामेंटेरियंस थे उनके ऊपर छोड़ दिया था कि वो ही लॉ बनाए, कोडिफाई करें. उस टाइम पे उन्होंने जो है ओपन एंडेड रखा था, हमारे प्रिविलेजेस जो भी थे उनको ओपन एंडेड रखा था. सिंस देयर वाज ऑब्जेक्शन विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ, यहाँ पे ऑब्जेक्शन थी इस वर्ड को यूज करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स, इट हैज बीन, फिर इसको डिलीट कर दिया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एंड हैज बीन रिप्लेस्ड इन द सेंस, उसको थोड़ा रिप्लेस करके ऐसा कह दिया गया था दैट विदाउट रेफरिंग टू हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन को रेफर किए बिना जो जो प्रिविलेजेस अब तक पार्लियामेंटेरियंस ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ था 1978 से पहले पार्लियामेंटेरियंस ने हाउस ऑफ कॉमन्स को रेफर किए बिना जो जो प्रिविलेजेस को जो यूज किया है, फॉलो किया है, उनको ही कंटिन्यू किया जाएगा टिल पार्लियामेंट मेक्स लॉस. बात थोड़ी सेम ही है लेकिन फिर भी उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी 78 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. इस अमेंडमेंट में ये कह दिया था कि अब तक पार्लियामेंटेरियंस ने जो भी लॉस, जो भी प्रिविलेजेस को फॉलो किया है, वो जब तक पार्लियामेंट जो है लॉ नहीं बना देती, उन सारे प्रिविलेजेस को ही फॉलो करेगी. सो क्योंकि ऑब्जेक्शन था हाउस ऑफ कॉमन्स वर्ड को, वर्ड के ऊपर. उसके बाद आता है व्हाई प्रिविलेज इज कंसीडर्ड नेसेसरी. अब कहा जाता है कि अगर प्रिविलेजेस के ऊपर इतना इश्यू है कि जो प्रिविलेजेस हैं उनको, उनका मिसयूज किया जाता है, पार्लियामेंटेरियंस मिसयूज करते हैं, तो उनको प्रिविलेजेस दिए ही क्यों जाते हैं, तो क्या इसका बेनिफिट है प्रिविलेज देने का.
प्रिविलेज देने का बेनिफिट सबसे पहला जो है विदाउट विच इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द हाउस, क्योंकि क्या होता है हाउस की अपनी डिग्निटी है, उसको मेंटेन करने के लिए इनके मेंबर्स को कुछ राइट्स तो कुछ प्रिविलेजेस तो देना बनता है कि अगर कोई हाउस के अगेंस्ट कुछ बोले तो इनके पास जो है प्रिविलेज हो के उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके. So, इसलिए इनको जो थे ये प्रिविलेजेस दिए गए थे कंसीडर्ड नेसेसरी सो दैट मेंबर्स कैन फंक्शन विदाउट हिंड्रेंसेस, ताकि उनके जो मेंबर, अब क्या होता है कि अगर मान लो पार्लियामेंटेरियंस हमारे हाउस के अंदर बैठे एमपीज एंड एमएलएज कोई लॉ पास करते हैं, अपना काम करते हैं, अगर बाहर का कोई इंसान, ज्यादातर प्रेस ही समझ लो, प्रेस अगर उसके उसको क्रिटिसाइज करती है तो ये लोग जो है अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे. सो ये विदाउट किसी किसी हिंड्रेंस के, किसी ऑब्स्ट्रक्शन के बिना ये अपना अच्छे से काम करें, हाउस के डिग्निटी को मेंटेन करके रखें. इसके लिए जरूरी है कि इन्हें प्रिविलेजेस दिए जाएं, क्योंकि अगर कोई हाउस के अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट कुछ कहता है तो उनको पनिश किया जाए. उसके बाद है दे आर अवेलेबल टू ऑल एमपीज, ये सारे ही एमपीज को, मेंबर्स ऑफ कमिटीज को जो हाउसेस के हैं उनको सबको मिलते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी एक को मिलेंगे या फिर मेजोरिटी पार्टी को मिलेंगे, ऐसा नहीं है. जितने भी जो भी एमपीज हैं, चाहे वो फिर बिलोंग करे हमारी ऑपोजिशन पार्टी को बिलोंग करे, रूलिंग को करें, किसी को भी मिले, सबको मिलेंगे. सो इट इज टू बी नोटेड दैट दे आर अवेलेबल टू मेंबर्स ओनली टू एक्सटेंड मेंबर्स डिस्चार्ज देयर पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कहने का मतलब, अब देखिए पार्लियामेंटेरियंस, ऐसा नहीं है कि इनको पूरी लाइफ के लिए, अगर कोई एक बार एमपी एमएलए बन गया तो इनको पूरी लाइफ के लिए वो राइट्स मिल जाएंगे, प्रिविलेजेस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. उनको पूरी लाइफ के लिए नहीं मिलेंगे, सिर्फ उनको ये सब इसलिए मिलेगा जब तक वो पार्लियामेंट्री फंक्शन, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं, जब तक वो हाउस के अंदर हैं, जब तक वो हाउस के अंदर रह के अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर रहे हैं तब तक उन्हें वो राइट्स मिले हैं. बाकी जो दूसरे लॉज हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे लॉ ऑफ लैंड है वो उसको वायलेट करेंगे. जब वो हाउस के बाहर हैं, अगर वो लॉ को वायलेट करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, तब उन्हें भी पनिश किया जाएगा. सो दे डोंट एंजॉय एनी एग्जाम्पशन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, जो हमारे ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड है उससे उनको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलती है. बिसाइड्स आर्टिकल जो है, हमने आर्टिकल पढ़ा है 105 एंड 194, जहां से इनको प्रिविलेजेस मिलते हैं, इनके बिना भी इन्हें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जहां से इनको कुछ अलग से प्रिविलेजेस मिलते हैं. जैसे कि आर्टिकल 122 में क्या कहा गया है, कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू प्रोसीडिंग्स. अब हाउस के अंदर कैसी भी प्रोसीडिंग्स हो, कुछ भी हो, उनको कोर्ट जो है आर्टिकल 122 के अंडर जो है इंक्वायर नहीं कर सकता है. ये पार्लियामेंटेरियंस का प्रिविलेज है कि कोर्ट जो है आर्टिकल 122 के अंडर जो भी हाउस के अंदर हो रहा है, जो भी प्रोसीडिंग्स है, उनको इंक्वायर नहीं कर सकते हैं. उसके बाद है स्टैट्यूट्स, कुछ लॉज जो भी हैं. उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल अंडर जो सेक्शन 135 इसका क्लॉज ए है, जो इसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, इसमें क्या लिखा गया है कि मेंबर्स कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ हाउस 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर इट्स कंक्लूजन. जब हमारे हाउस का सेशन चल रहा है, सेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी भी पार्लियामेंटेरियंस को अरेस्ट नहीं किया जाएगा. अगर उसने हाउस में कुछ भी उसकी गलती है या उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट हुआ है, तो हाउस के जो हमारा सेशन चलता है हाउस का, उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा. उसके बाद है प्रिविलेजेस कहाँ से आते हैं. प्रिविलेजेस मिलते हैं इन्हें रूल ऑफ प्रोसीजर से, कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस, प्रेसिडेंस, कन्वेंशन, इन सबसे इसे इन्हें जो है प्रिविलेजेस मिलते हैं. उसके बाद है पावर टू पनिश. पावर टू पनिश में आता है कि पार्लियामेंट ऑल्सो हैज पावर टू पनिश अ पर्सन बोथ रेप्रीमेंड एडमोनिश एंड इवन इम्प्रिजनमेंट. सो अगर कोई भी इंसान, कोई भी हमारे जैसा इंसान या फिर प्रेस जो है अगर पार्लियामेंटेरियंस के प्रिविलेजेस को वायलेट करती है, तब उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है, उन्हें पनिश किया जाता है और बहुत बार किया भी गया है. उस जैसे कि द कंसर्न मेंबर कैन रेज क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस विद द परमिशन ऑफ स्पीकर. पहले स्पीकर से परमिशन लेके कोई भी एमपी अगर उसे लगता है कि उसके जो प्रिविलेज उसे मिला हुआ है उसका ब्रीच हुआ है किसी के भी थ्रू, तो वो उसे जो है उस क्वेश्चन को अपने हाउस में जो है हाउस में रेज कर सकता है. द मैटर इज अ रेफर टू कमिटी ऑन प्रिविलेजेस. एक कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस जो है, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस अलग से कमिटी बनी हुई है. सो अगर कोई भी मेंबर जो है रेज करता है क्वेश्चन जो
ब्रीच ऑफ प्रिविलेज पे, तो जो कमिटी ऑन प्रिविलेजेस बनी हुई है उस कमिटी, वो कमिटी जो है इंक्वायर करती है कि सच में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है या नहीं हुआ है, या जो भी उसका पनिशमेंट देनी है जिसने किया है, तो ये सारा कुछ जो है डिसाइड किया जाता है। उसके बाद है एज पर केशव सिंह केस, केशव सिंह केस जो 1965 का है, पार्लियामेंट, वहां पे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट इज अ सोल आर्बिट्रेटर ऑफ प्रिविलेजेस, के प्रिविलेजेस के मैटर में जो उसको जो भी उसके साथ करना है, जो भी पनिशमेंट उसको जो ब्रीच करते हैं, जो भी प्रिविलेज को ब्रीच करते हैं तो उनको क्या पनिशमेंट देनी है, क्या करना है, ये सारा का सारा पार्लियामेंट का काम है, कोर्ट का काम नहीं है। ये पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज कंट्रोवर्सी ऑन प्रिविलेजेस एंड व्हाई देयर इज डिमांड फॉर कोडिफिकेशन। सो बात है कि अब पार्लियामेंट, अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियरली बोल दिया कि जो पार्लियामेंट इज द सोल आर्बिट्रेटर ऑफ प्रिविलेजेस। सो इसमें क्या है कि क्वेश्चन है कि कंट्रोवर्सी प्रिविलेजेस के ऊपर क्यों होती है और डिमांड क्यों है कि इनको कोडिफाई किया जाए, इनको कोडिफाई करने की डिमांड क्यों उठती है, वाई कंट्रोवर्सी। सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रिविलेजेस के ऊपर कंट्रोवर्सी क्या है। द प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंटेरियंस लिमिट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल इन जनरल बट स्पेसिफिकली फ्रीडम ऑफ प्रेस। जो हमने अभी पहले शुरू में जब हमने इस टॉपिक को शुरू किया था, हमने यही पढ़ा था कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये इनके जो प्रिविलेजेस हैं वो लिमिट करते हैं फंडामेंटल राइट्स लोगों के। अब देखिए जो आम लोग पे लोग हैं और स्पेसिफिकली जो प्रेस है, अगर वो पार्लियामेंटेरियंस के कोई, अगर मान लो कोई भी मेंबर है वो गलत काम करता है, वो गलत लॉ बनाते हैं या कुछ भी करते हैं हाउस में या बाहर कहीं भी, तो अगर उनके अगेंस्ट हाउस में ही अगर उनकी उनके अगेंस्ट कुछ छाप दिया जाता है प्रेस में कि ये सही नहीं काम कर रहे हैं, तो वो तो छापने वाला क्या, जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला राइट है उसका, तो वो तो अपने उस राइट को यूज कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि उसके वजह से उसे पनिशमेंट भी दी जा सकती है। देर हैज बिन मैनी एग्जाम्पल वेयर हाउस और असेंबली हैज पनिश्ड जर्नलिस्ट फॉर पब्लिशिंग सच आइटम्स विच पार्लियामेंट असेंबली फाइंड्स अगेंस्ट डिग्निटी। अब क्या होता है कि अगर प्रेस में कुछ छाप दिया जाता है मेंबर्स के अगेंस्ट, तो वो क्या करते हैं, उनको पनिश करते हैं। पनिशमेंट काफी बड़ी भी हो सकती है, एक एक साल तक पनिशमेंट हो सकती है। सो इससे क्या होता है कि दो राइट्स के बीच में क्लैश हो गया, प्रिविलेजेस एंड राइट्स के बीच में क्लैश हो गया, क्योंकि एक साइड तो आम लोगों के जो फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स हैं और दूसरी साइड पार्लियामेंटेरियंस के प्रिविलेजेस हो गए। अब क्या किया जाए, अगर कोई मान लो प्रेस में, कोई भी प्रेस में छाप दिया जाता है पार्लियामेंटेरियंस के अगेंस्ट के ये सही काम नहीं कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा अगर मान लो छाप दिया जाता है तो वो इंसान क्या कर रहा है कि अपना जो है फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला, स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला, उसको एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसको राइट है कि वो लिख सकता है। तो दूसरी तरफ जो है पार्लियामेंटेरियंस बोलेंगे कि हमारे प्रिविलेज को ब्रीच किया जा रहा है, तो दोनों आपस में क्लैश हो गए कि अब क्या किया जाए, अब किसको प्रायोरिटी दी जाए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी दी जाए, पहल दी जाए, या फिर जो है पार्लियामेंटेरियंस के प्रिविलेजेस को दी जाए। तो उसके बाद है द फर्दर प्रॉब्लम इज देयर इज नो डेफिनेट लिस्ट ऑफ व्हाट विल कॉन्स्टिट्यूट प्रिविलेजेस। सबसे बड़ी बात यही है कि कोई लिस्ट ही नहीं है, कुछ पता है फंडामेंटल राइट्स की, तो हमारे पास लिस्ट है कि लोगों के पास क्या राइट्स हैं, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस के पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं उसकी कोई लिस्ट नहीं है, उसकी कोई भी लिस्ट नहीं है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सोचा था कि आने वाले टाइम में हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे वो ऐसा लॉज बनाएंगे, कोडिफाई करेंगे, लेकिन इन्होंने कोडिफाई नहीं किया। सो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोडिफाई नहीं किया गया, पता ही नहीं है कौन से प्रिविलेजेस पार्लियामेंटेरियंस के पास हैं और कौन से नहीं हैं। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया सर्च लाइट केस में, यहाँ पे बिहार की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इन्होंने जो सर्च लाइट मैगजीन के एडिटर्स को ना जेल करवा दी थी एक हफ्ते के लिए। सर्च लाइट जो मैगजीन है बिहार की पार्लियामेंटेरियंस के अगेंस्ट, इन्होंने कुछ छाप दिया था, तो बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या किया था, इनको 1 वीक तक जेल करवा दी थी। तो इस पे हम पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, जब ये केस जो है कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिविलेजेस शेल हैव प्राइमेसी ओवर द फंडामेंटल राइट्स, प्रिविलेजेस आर ऑल्सो गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
अब देखिए, हमने जैसे पहले अभी डिस्कस किया कि फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए या फिर प्रिविलेजेस को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, तो यहाँ पे सर्च लाइट केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो प्रिविलेजेस हैं उनको प्राइमेसी दी जानी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट क्योंकि जो हमारे प्रिविलेजेस हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही दिए गए हैं। सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं तो पार्लियामेंटेरियंस को, तो इनको ही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद आता है इश्यू ऑफ कोडिफिकेशन। तो एक इश्यू तो सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व कर दिया कि किसको प्राइमेसी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिविलेजेस को प्राइमेसी मिलनी चाहिए ओवर फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। सो उसके बाद एक इश्यू आता है इश्यू ऑफ कोडिफिकेशन एंड इट्स हिस्ट्री। सो देयर हैज बीन डिबेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद रिस्पेक्ट टू कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन को लेके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी काफी डिबेट चली थी। उन्होंने भी सोचा था कि जो हमारे प्रिविलेजेस हम पार्लियामेंटेरियंस को दे रहे हैं इनको कोडिफाई करें या ना करें। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोचा कि अल्टीमेटली उन्होंने सेटल मैटर सेटल किया कि प्रिविलेजेस टू बी कैप्ट ओपन एंडेड फॉर द टाइम बीइंग एंड थस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो उन्होंने यही सोचा, डिसाइड किया कि अब के टाइम पे जो हमारा अब टाइम है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो अभी के लिए हम जो है प्रिविलेजेस को ओपन एंडेड रख देते हैं, कोडिफाई हम नहीं करते हैं, और जो जब तक उनको कोडिफाई नहीं किया जा सकता तब तक उन पे जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब यही नहीं पता है कि प्रिविलेजेस हैं कौन कौन से प्रिविलेजेस एमपीज को मिले हुए हैं, तब तक जो है अगर तब तक कहां से पता चलेगा कि ब्रीच हुआ है, तब तक कहां से पता चलेगा कि मतलब लोगों ने वायलेट किया है या नहीं किया, या ब्रीच हुआ है नहीं हुआ है केसेस जो है। तो इसलिए उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तब उन्होंने कहा था कि अभी के टाइम के लिए जो भी हमारे प्रिविलेजेस हम दे रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस को, इनको ओपन एंडेड रखते हैं, और अगर पार्लियामेंटेरियंस एक्सरसाइज करते हैं अपने प्रिविलेजेस को तब क्या होगा कि उनपे जुडिशियल रिव्यू, कोई भी जुडिशियल रिव्यू उसके ऊपर नहीं होगा। और इन्होंने छोड़ दिया था फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर कि आने वाले पार्लियामेंटेरियंस जो होंगे इसको डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनको पहले ही पता था, वॉज हाउ एवर कंसर्न विद, ये इनको काफी कंसर्न थी विद ओपन एंडेड प्रिविलेजेस। इट हेल्ड दैट ही वॉज श्योर दैट पार्लियामेंट विल नेवर लेजिस्लेट ऑन इट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था उनको पता था कि पार्लियामेंट जो है आने वाले टाइम में कोई भी इनको कॉडिफाई कभी भी नहीं करेगा, कोई इनपे लॉ नहीं बनाएगा। क्योंकि ये तो एक ऐसी बात हो गई ना कि अगर हम किसी इंसान को बहुत सारे राइट्स दे रहे हैं, स्पेशल राइट्स दे रहे हैं, तो अगर हम उस इंसान को कहेंगे कि आने वाले टाइम में आप इस पे लॉ बनाओ कॉडिफाई करो, तब तो उनके जो राइट्स हैं वो जो प्रिविलेजेस उनको स्पेशल राइट्स मिले हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शुरू से ही पता था कि आने वाले जनरेशन भी इनके ऊपर लॉ नहीं बनाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही, आने वाले जनरेशन ने भी इनके ऊपर लॉज नहीं बनाए, और आज तक जो है जो हमारे पार्लियामेंटेरियन प्रिविलेजेस हैं इनको कॉडिफाई नहीं किया गया है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैरन्स पार्लियामेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेज इज नॉट टू डिफाइन प्रिविलेजेस। तो ये यूके के हैं, इन्होंने क्या कहा था कि पार्लियामेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज है वो यही है कि वो जितने भी प्रिविलेजेस हैं उनको डिफाइन ना करें। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आपको हमने कह दिया कि आपको जो है बहुत सारे स्पेशल राइट्स मिल रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस को कह दिया कि आपको बहुत सारे स्पेशल राइट्स मिल रहे हैं कि अगर कोई भी हाउस की डिग्निटी को खराब करता है तो आप क्या करिए, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अब जब हमने यही नहीं बताया कि कौन से मैटर से डिग्निटी खराब होगी कौन से नहीं होगी, तब तक तो कोई भी मैटर जो है सेटल ही नहीं हुआ। तो जो पार्लियामेंटेरियंस है ये तो उनके हाथ में एक अच्छा सा, बहुत अच्छा सा फायदा मिल गया उनको। क्योंकि वो क्या करेंगे, अगर कोई भी उनके अगेंस्ट बोलेगा तो उनको जेल करवा देंगे, सजा करवा देंगे। ये तो उनको बहुत बहुत उनके लिए अच्छी बात है कि उनको इतने सारे राइट्स मिल गए। तो अगर वो कोडिफाई कर देंगे, बता देंगे कि ये वाले प्रिविलेजेस होने चाहिए ये नहीं, तब तो उनके जो स्पेशल राइट्स हैं वो थोड़े लिमिटेड हो जाएंगे, ऐसा वो कभी भी नहीं चाहेंगे। सो इसीलिए आज तक जो है इनको कोडिफाई नहीं किया गया है। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ प्रिविलेजेस। अब देखा जाए कि प्रिविलेजेस वाला ये मैटर आया कहाँ से है, ये ब्रिटिश ट्रेडिशन थी, ओरिजिनेट हुई थी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट। जैसे कि हमें पता है कि ब्रिटेन में पहले मोनार्की थी,
उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर शुरू हुआ, पार्लियामेंट बनी. सो शुरू में क्या होता था, किंग और पार्लियामेंट के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे. कभी किंग अपनी पावर्स को ज्यादा एक्सरसाइज करता था, कभी पार्लियामेंट करती थी. सो किंग क्या करता था, वो ऐसे ऑर्डर्स पास कर दिया करता था जो टू गेट द एमपीज और हाउस ऑफ कॉमन्स अरेस्टेड, कि अगर मान लो किसी एमपी ने या किसी ने भी किंग के अगेंस्ट कुछ बोल दिया, क्योंकि पार्लियामेंट जो थे वो तो लोगों के थ्रू चुनी गई थी, सो किंग जो है लोगों के थ्रू नहीं चुना जाता, तो ऐसे अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता था उनके बीच में तो किंग क्या करता था, उनको अरेस्ट करवा देता था. हैंस जो उसके बाद हुआ हाउस अजर्टेड, तभी हाउस ने वहां पे ब्रिटेन में जो है प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट आया. फॉर एग्जाम्पल, नो पनिशमेंट फॉर एनीथिंग सेड और डन इन पार्लियामेंट, ऐसा एक राइट दे दिया गया स्पेशल राइट पार्लियामेंटेरियंस को, कि अगर वो हाउस के अंदर जाके कुछ भी बोलते हैं, जब प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं वो कुछ भी कहते हैं, तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा. ये था उनको किंग से बचाने के लिए. ब्रिटेन में प्रिविलेजेस का कॉन्सेप्ट आया और ये आया जो है किंग से बचाने के लिए पार्लियामेंटेरियंस को. तो वहीं से हमने भी इसको अडॉप्ट किया, लेकिन हमारे यहाँ काफी मिसयूज हो रहा है. इट इज द प्रिविलेज ऑफ द स्पीकर दैट नो वन कैन बी अरेस्टेड फ्रॉम द प्रिमाइसिस ऑफ द हाउस विदाउट हिज परमिशन, कि अगर हाउस में स्पीकर की परमिशन के बिना किसी भी पार्लियामेंटेरियन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है. ये जो है स्पीकर का प्रिविलेज है. उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इंडिया में सिचुएशन कैसी है, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो तो इंडिया पे होना चाहिए. सो हम पढ़ते हैं कि इंडिया में क्या सिचुएशन है. इन इंडिया इट हैज बीन यूज्ड बाय मेंबर्स अगेंस्ट द जर्नलिस्ट एंड इन एक्सट्रीम केसेस जर्नलिस्ट हैव बीन इम्प्रिजन्ड इवन फॉर अ ईयर. तो यहाँ पे क्या है कि जो सिचुएशन इंडिया में कैसी है, कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रिविलेजेस हैं जिनको मेंबर्स जो है मिसयूज करते हैं. अगर कोई भी जर्नलिस्ट कुछ भी मेंबर्स के अगेंस्ट लिख देता है तो उनको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है और एक एक साल तक उनको जेल में बंद रखा जाता है. उसके बाद है व्हाट इज द सिचुएशन इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में क्या सिचुएशन है. ब्रिटेन में सिचुएशन सिंपल है, वहां पे कोई पनिशमेंट नहीं होती. इन प्रैक्टिस कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम पास्ट से एकदम ब्रेक, अलग नया कॉन्सेप्ट है. कोई पनिशमेंट किसी को नहीं दी जाती है, लेकिन हमारे इंडिया में थोड़ा अलग हो रहा है. सो आज हमने यहां तक कवर कर लिया है. कल को हमने जहां से अभी छोड़ा है वहीं से शुरू करेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.